प्रीवियस वीडियो में हम बायस्ड क्लिपर पढ़ रहे थे। अब आज बायस्ड क्लिपर में पॉजिटिव बायस्ड क्लिपर देखे थे, अभी देखेंगे नेगेटिव बायस्ड क्लिपर। नेगेटिव नेगेटिव बायस्ड नेगेटिव बायस्ड क्लिपर नेगेटिव बायस्ड क्लिपर क्लिपर का बायस्ड क्लिपर के अंतर्गत दो टाइप, एक पॉजिटिव बायस्ड क्लिपर और अगला होता है नेगेटिव बायस्ड क्लिपर। तो क्लिपर तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो क्लिपर बेसिकली क्या होता है, एक डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन पोर्शन को रिमूव करने का काम करता है। जो इनपुट एसी सिग्नल के ऑल पॉजिटिव कंपोनेंट को क्लिप्ड ऑफ कर देता है वो पॉजिटिव क्लिपर कहलाता है। जो इनपुट एसी सिग्नल के ऑल नेगेटिव हाफ साइकिल को कम्प्लीटली क्लिप्ड ऑफ कर देता है नेगेटिव क्लिपर कहलाता है। बट इनपुट एसी सिग्नल के जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के एक सर्टेन पार्ट को क्लिप्ड ऑफ करता है उसको क्या बोलते हैं, बायस्ड क्लिपर। बायस्ड क्लिपर में हम पॉजिटिव बायस्ड क्लिपर का कंप्लीट स्टडी किए थे। अब नेगेटिव बायस्ड क्लिपर के बारे में डिटेल, उसकी सर्किट, उसकी थ्योरी, उसकी ऑपरेशन, उसकी वेव फॉर्म को पूरा देखेंगे। तो नेगेटिव बायस्ड क्लिपर, नेगेटिव बायस्ड क्लिपर क्या करेगा, इनपुट एसी सिग्नल, आप सबको पता है कि इसमें इनपुट जो होता है वो क्या होता है, क्लिपर सर्किट का इनपुट है वो एसी। तो इस इनपुट एसी सिग्नल में क्या रहेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल जो रहता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के किसको रिमूव करेगा, सर्टेन पार्ट को, ठीक है। इट रिमूव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। जो भी आप इनपुट एसी सिग्नल दोगे उस इनपुट एसी सिग्नल के ऑल नेगेटिव हाफ साइकिल के सर्टेन पार्ट को क्लिप्ड ऑफ करता है और रिमेनिंग पार्ट को आउटपुट के फॉर्म में दे देता है। तो जो इनपुट एसी सिग्नल के नेगेटिव हाफ साइकिल के एक सर्टेन पार्ट को रिमूव करके रिमेनिंग पार्ट को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है वह क्लिपर सर्किट नेगेटिव बायस्ड क्लिपर होता है। नाम से ही क्लियर है, अगर सिर्फ नेगेटिव क्लिपर रहता तो ऑल नेगेटिव हाफ साइकिल को ये रिमूव कर देता। ये यहाँ पर नेगेटिव बायस्ड है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के एक सर्टेन पार्ट को रिमूव करेगा और ऑल पॉजिटिव हाफ साइकिल और रिमेनिंग नेगेटिव हाफ पार्ट को क्या करेंगे, वो आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। तो नाम से ही फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश किया करो। इसका सर्किट देख लेते हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर यूज होगा, ठीक है, सॉरी नेगेटिव पर रहे ना, तो ये ऐसा रहेगा, ये कुछ नहीं है, वहाँ पर ऐसा डायोड लगेंगे और डायोड का ऐसा डायोड के एनोड में एक वो रहेगा। यहाँ पर एक रजिस्टर लोड, ये लोड रजिस्टर है, ये आपका करेंट लिमिटिंग रजिस्टर बोल सकते हो, सीरीज रजिस्टर। ये आपका डायोड है, सिंगल डायोड यूज़ हो रहा है। डायोड के एनोड के साथ नेगेटिव वोल्टेज दिए हैं जिसको दे देते हैं अपन वी वोल्टेज। यहाँ पर कुछ नहीं लगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं है, सिंपल एक वायर है, ठीक है। लोड में फ्लो होने वाले करेंट को अपनी ओर से मार्किंग कर देता हूँ कि सपोज से डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये मेरे एजम्पशन डायरेक्शन है। अगर इसके क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को मैं मार्किंग कर देता हूँ वी नॉट, और ये क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज है, ये क्या कहलाएगा, आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज कहलाएंगे। डायोड डी है, यहाँ पे अपन क्या अप्लाई करेंगे, इनपुट एसी सिग्नल। यहाँ पर जो क्या रहेगा, इनपुट एसी सिग्नल रहे, इनपुट एसी सिग्नल, ये इसको दे देते हैं ए पॉइंट, इसको दे देते हैं बी। तो हम यहाँ पर ए बी टर्मिनल के क्रॉस एक्सटर्नल इनपुट एसी देंगे, वह एक्सटर्नल इनपुट एसी है
जिसके निगेटिव हाफ साइकिल के सर्टेन पार्ट को क्या करना है, रिमूव करना है। इसको मैं अपने ओर से दे देता हूँ, वोल्टेज को वी इन दे देता हूँ। ये रजिस्टर है, करेंट लिमिटर रजिस्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर डायोड है, डायोड के साथ सीरीज में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया है। डायोड के एनोड के साथ में बैटरी के निगेटिव प्लेट को कनेक्ट किया है। इनिशियली वह डायोड है वो रिवर्स बायस्ड रहेगा, जब तक उसके कैथोड पर मोर निगेटिव वोल्टेज अपीयर नहीं होंगे तब तक ये डायोड है फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी सर्किट पढ़ते हो तो सर्किट का इंट्रोडक्शन लिखा करो। इंट्रोडक्शन मतलब वो क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखा करो। ठीक है, तो बेसिकली जितना भी क्लिपर सर्किट है, सारे क्लिपर सर्किट है वो वेव शेपिंग सर्किट्स हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लिखा करो। डेफिनेशन के बाद सर्किट ड्रॉ किया करो, सर्किट को ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया करो, समझाया करो कि सर्किट कैसे कैसे कनेक्शन है, क्या क्या चीज़ है, कहाँ से आउटपुट लोगे, इनपुट क्या है, एसी है कि डीसी है, कि लोड क्या है, कैसा है पूरा। उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन देखा करो। ठीक है, तो वेव फॉर्म थोड़ा सा ड्रॉ कर दिए रहता हूँ, फिर आराम के साथ ऑपरेशन लूँगा मैं। ठीक है, हमारा इनपुट सिग्नल का वेव फॉर्म बनाएंगे पहले। इनपुट जो सिग्नल है क्या है, एसी है। ठीक है, ये जीरो है, ये पाई, और ये क्या है, टू पाई। ठीक है, एक साइकिल को आप एक्सप्लेन कर देना, सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट एसी और आउटपुट भी क्या मिलेगा, एसी ही मिलेगा बट क्लिप्ड ऑफ रहेगा। ये इनपुट एसी सिग्नल है। सपोज इस इनपुट एसी सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या मान लिया, वह इसे यहाँ पर थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो तो अच्छा लगेगा, आपका आंसर राइटिंग वेब फॉर्म वगैरह एग्जाम में मार्क्स नहीं कटता, तो ये सब भी ध्यान दिया करो। ये इनपुट एसी सिग्नल है, वह इनपुट एसी सिग्नल है जिसके सर्टेन निगेटिव हाफ पार्ट को क्या करना है, रिमूव करना है। यहाँ पे क्या है, वेब फॉर्म बनाएंगे हम, आउटपुट वोल्टेज का बनाएंगे, आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म रहेगा। इसको दे देते हैं वी नॉट। इनपुट सिग्नल के अंतर्गत जो डायोड के साथ में निगेटिव वोल्टेज सोर्स लगा है उसकी बैटरी का वोल्टेज लेवल भी शो कर देते हैं। निगेटिव वोल्टेज है इस कारण उसको निगेटिव एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। चूँकि यह डीसी है तो इतना उसकी वोल्टेज लेवल है, उसकी बैटरी की वोल्टेज लेवल माइनस वी को भी शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो, ये यहाँ पर पाई, और ये क्या हो जाएगा, टू पाई। ठीक, ऐसा बकायदा शो किया को। चलो अब इसकी ऑपरेशंस को देखते हैं। तो जैसे ही सर्किट में हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू जीरो से पाई के लिए सर्किट, जैसे ही हम इसमें इसके इनपुट टर्मिनल पे एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल देंगे, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी इक्वल टू जीरो से पाई के लिए सर्किट के ए टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा और बी में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ए टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज और बी पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ए टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस्ड होने के कारण डायोड डी है वो क्या हो जाएगा, हाईली रिवर्स होगा। कैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज डायोड डी के कैथोड से जुड़ रहा है, तो डायोड डी क्या हो जाएगा, हाईली रिवर्स हो जाएंगे। डायोड डी हाईली रिवर्स होने के कारण डायोड डी है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा, और कंडक्ट न होने के कारण डायोड डी है वो ऑफ मोड में रहेंगे। ऑफ मोड में रहेगा मीन्स एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा, इस डायोड से होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। डायोड डी से नहीं होगा बट सर्किट जिधर ऑन है उधर तो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर होने से डायोड डी क्या हो रहा है, हाईली रिवर्स हो रहा है। हाईली रिवर्स होने के कारण ये कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, कंडक्ट ना हो पाने के कारण ये एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर रहा है। फाइनली एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव ए टर्मिनल, ए टर्मिनल पॉजिटिव है, पॉजिटिव ए टर्मिनल से रजिस्टर आर, सीरीज रजिस्टर आर से लोड रजिस्टर आर एल, आर एल से क्या होगा आपका, बैक टू दी सोर्स आ जाएगा। क्यों इधर नहीं गया, क्योंकि इधर तो डायोड ऑफ है,
ऑफ होने से ये क्या है, ओपन, और ओपन सर्किट में कभी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता। तो करंट है वो ए पॉइंट, ए पॉइंट से रजिस्टर आर, रजिस्टर आर से लोड रजिस्टर आर एल, आर एल से होते सोर्स में सर्कुलेट होता है। चूँकि फ्लोविंग करंट है वो मेरे एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोविंग लोड करंट पॉजिटिव होगा और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव। अब देखो करंट पॉजिटिव होगा, डेवलप्ड वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बट डेवलप्ड आउटपुट जो वोल्टेज जो होगा वो इनपुट वोल्टेज का क्या होगा, डिवाइडेड फॉर्म होगा। कैसे होंगे, वी नॉट इक्वल टू वी इन इंटू क्या होगा, आर एल, आर एल, आर एल टू आर एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर प्लस क्या होगा, आर एल। कैसे, एक वोल्टेज सोर्स हो गया, दो सीरीज रजिस्टर हो गए, वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर, तो दिस वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका वोल्टेज डिवाइडेड फॉर्म है यहाँ पर किसके फॉर्म में मिलेंगे, आउटपुट के फॉर्म में। तो वी नॉट इक्वल टू वी इन इंटू आर एल डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एल। तो इसका वोल्टेज डिवाइडेड फॉर्म यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। तो ये अपन का ये बनेगा वेवफॉर्म, क्योंकि इनपुट एसी सिग्नल के होल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें इसमें करेंट का फ्लो हो रहा है, इस कारण आउटपुट जो सिग्नल मिलेगा वो कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए मिलेंगे, जीरो से पाई के लिए, और साइनोसाइडली नेचर का रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल कोई भी क्लिप्ड ऑफ नहीं होगा ऐसा। अब ड्यूरिंग दिस निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू टू पाई, पाई से लेकर टू पाई के लिए, पाई से लेकर टू पाई के लिए सर्किट के ए टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज और बी टर्मिनल पर क्या वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव वोल्टेज। निगेटिव हाफ साइकिल पाई से टू पाई के लिए सर्किट के ए टर्मिनल पर इंड्यूस्ड वोल्टेज निगेटिव, बट बी टर्मिनल पर इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होंगे, पॉजिटिव। ए टर्मिनल पर इंड्यूस्ड वोल्टेज निगेटिव होने के कारण डायोड डी है वो फॉरवर्ड बायस में आ सकता है, बट इस डायोड डी के कैथोड पर अपीयर्ड वोल्टेज इसके एनोड निगेटिव वोल्टेज से क्या हो, ज़्यादा हो। तो जब तक इसके एनोड पर अपीयर्ड निगेटिव वोल्टेज से ज़्यादा निगेटिव वोल्टेज इसके कैथोड पर अपीयर नहीं होंगे, तब तक ये डायोड डी है वो टर्न ऑन नहीं हो पाएगा। तो जब तक इस इनपुट निगेटिव वोल्टेज की वैल्यू इस निगेटिव बैटरी वोल्टेज से कम रहेंगे, तब तक ये डायोड डी क्या रहता है, ऑफ मोड में रहता है, और डायोड डी ऑफ मोड में होने के कारण ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है। फाइनली करंट है वो बी पॉइंट, बी पॉइंट से होकर आपका लोड रजिस्टर आर एल, आर एल से होते हुए बैक टू दी सोर्स फ्लो होता है। आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे यहाँ से फ्लो हो रहा है ऐसे, क्योंकि अब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव से ही फ्लो होगा। अब इस पॉजिटिव बी टर्मिनल से करंट लोड, लोड से होते हुए कहाँ जाएगा, सोर्स में आएगा। इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि डायोड डी अभी ऑफ है। कब तक ऑफ रहेगा, जब तक ये इनपुट निगेटिव वोल्टेज की वैल्यू इसके निगेटिव एनोड वोल्टेज से क्या रहेंगे, कम रहेंगे। क्लियर हुआ, तो क्या होता है, इनपुट सिग्नल का वोल्टेज डिवाइडेड फॉर्म है वही आउटपुट के फॉर्म में हमें क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। जैसे ही इस इनपुट एसी सिग्नल की निगेटिव एम्पलीट्यूड जो है वो इसके एनोड पर अपीयर्ड निगेटिव वोल्टेज से ज़्यादा होगा, डायोड डी क्या हो जाएंगे, टर्न ऑन हो जाएंगे, मतलब ये वाले पोर्शन में, ये मोर निगेटिव है। तो जैसे ही इस वी वोल्टेज से क्या होगा, ज़्यादा, तो ये वाला पोर्शन में ही ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तक डॉटेड से नीचे, डॉटेड लाइन से नीचे वाला पोर्शन, तो यहाँ तक के ड्यूरेशन के लिए इनपुट वोल्टेज है वो वी वोल्टेज से ज़्यादा है। तो इनपुट निगेटिव हाफ साइकिल का जो वोल्टेज है बैटरी के वोल्टेज से जैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे पीयर्ड वोल्टेज है वो जैसे ही इस वोल्टेज से ज़्यादा होगा, डायोड डी क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएंगे, और टर्न ऑन हो जाने से एक ऑन स्विच क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेंगे, एक सिंपल वायर की तरह समझो,
बैटरी का निगेटिव प्ले इस पॉइंट पे जुड़ेगा ए, इस पॉइंट पे तो क्या हो रहा है लोड इक्वल टू सोर्स, लोड इक्वल टू क्या दिख रहा है सोर्स, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा बैटरी वोल्टेज का इक्वल, तो जब तक वो क्या रहेगा ऐसा मिलेगा, तो जब तक इनपुट ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसा कट हो गया, इधर का ये वाला हट गया पोर्शन, ये डॉटेड वाला पोर्शन, यहाँ पर जो डॉटेड वाला पोर्शन, ये डॉटेड वाला पोर्शन रिमूव हो गया, क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि डॉटेड वाले पोर्शन के लिए डायोड ऑन हो रहा है और डॉटेड वाले पोर्शन के बिलो वोल्टेज के लिए डायोड ऑन नहीं हो पा रहा, ऑन नहीं हो रहा है, तो जैसा इनपुट वोल्टेज है वही आपको आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है, और जैसे ही इनपुट वोल्टेज इस वी वोल्टेज से ज़्यादा हो रहा है डायोड डी ऑन हो रहा है, ऑन होने से डायोड डी क्या हो जा रहा है यहाँ पर एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, जिससे लोड वोल्टेज है वो इस बैटरी वोल्टेज का क्या हो जा रहा है इक्वल। तो ये देख सकते हो आपने ऐसा इनपुट एसी सिग्नल दिया एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ और पूरा होल निगेटिव हाफ साइकिल दिया, लेकिन उसमें से पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है, बट निगेटिव हाफ साइकिल का कुछ पोर्शन, इतना बस पोर्शन, इतना पोर्शन रिमूव हो गया नीचे वाला, तो इतना क्लिप्ड ऑफ हो गया और इतना आउटपुट के फॉर्म में, तो ऑल पॉजिटिव कंपोनेंट को क्या करता है वो आउटपुट के फॉर्म में देता है एंड सम फ्रैक्शन ऑफ इनपुट। तो जो इनपुट एसी सिग्नल के निगेटिव हाफ साइकिल के एक सर्टेन पार्ट को रिमूव करके रिमेनिंग पार्ट को आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को निगेटिव बायस्ड क्लिपर कहते हैं। तो ये इसका वेव फॉर्म है, ध्यान से देख लेंगे, ये दोनों वेव फॉर्म जब तक नहीं बताएंगे तब तक कोई भी क्लिपर सर्किट या इस निगेटिव क्लिपर सर्किट का ऑपरेशन वेरीफाई नहीं होगा। ऊपर वाला जो है वो इनपुट एसी सिग्नल है, नीचे वाला है वो क्लिप्ड ऑफ आउटपुट एसी सिग्नल है, जिसका सर्टेन निगेटिव पोर्शन रिमूव हुआ है और रिमेनिंग पोर्शन आउटपुट के फॉर्म में मिला है। बाकायदा पाई टू पाई वोल्टेज की पोलारिटी, ओमेगा टी एक्सिस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये सब शो किया करो। एक बार ध्यान दे देंगे, ये निगेटिव बायस्ड क्लिपर सर्किट का डायग्राम है, यहाँ पर आई एल लोड करेंट है, आर एल लोड रजिस्टर है जिसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज डेवलप होगा, ए बी क्लिपर सर्किट का इनपुट पोर्ट है, आर सीरीज करेंट लिमिटर रजिस्टर है बोल सकते हो, डायोड डी और एक वोल्टेज सोर्स बैटरी जो है आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लोड के साथ क्या है पैरेलल में है। इनिशियल कंडीशन में डायोड डी है वो क्या होता है हाईली रिवर्स बायस्ड होता है, यह डायोड है वो तभी टर्न ऑन होगा जब इसके कैथोड पर अपीयर्ड वोल्टेज जो है, कैथोड पर अपीयर्ड निगेटिव जो वोल्टेज है वो इस बैटरी के निगेटिव वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होंगे तब तक। तो जब तक इसके कैथोड पर मोर निगेटिव वोल्टेज अपीयर नहीं होंगे तब तक डायोड डी ऑन नहीं होगा, जैसे ही ऑन होगा ये क्लोज स्विच, ऑन स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये निगेटिव बायस्ड क्लिपर है, इनपुट एसी सिग्नल के निगेटिव हाफ साइकिल के एक सर्टेन पार्ट को क्या करता है ये रिमूव करता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर क्लियरली समझेंगे, एक बार देखो, एक बार में क्लियर नहीं होता तो दो बार, और कहीं पर अगर कुछ डाउट होता है तो फिर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इतना है कि भाई वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि कैसा है ये, ठीक है। ओके बाय।